हाय वैशाली। हाय। सो टेल मी, कहाँ जाने की तैयारी? सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं गोवा और ये हमारा पहला व्लॉग है। मैं चाहती हूँ आप इसको इतने ढेर सारे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें ना कि आने वाले टाइम में हम बहुत सारे व्लॉग बनाएं। और आई एम रियली सो एक्साइटेड कि मैं गोवा भी जा रही हूँ और हम व्लॉग भी शूट करने वाले हैं। ये तो चलते हैं गोवा। तो फाइनली चेक इन हो गया है और हम बस निकलने वाले हैं। हमारी आई थिंक आधे घंटे के अंदर फ्लाइट है और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। वी आर एक्साइटेड। बारिश हो रही है और हम बस फ्लाइट में बैठने वाले हैं और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बता नहीं सकती। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है ये शेफाली है, ये शेफाली ने नई नई जैकेट खरीदी है तो बार बार वीडियो में आ जाती है कि उसकी जैकेट अच्छी देखे यार। मुझे ना आप लोगों से एक बात जानी, ट्रेन में 12 घंटे आप सो जाओ, 3-4 घंटे आप बैठ जाओ, 1-2 घंटे आसपास के लोगों को देख लो कि क्या बात कर रहे, 1-2 घंटे बाथरूम के सामने मिरर के आगे गुजार लो, आप तब भी बोर नहीं होते। फ्लाइट सिर्फ 1 घंटे की होती है और 1 घंटे में आपको अपनी नानी याद आ जाती, राइट? आई कम्प्लीटली एग्री। 1 घंटा तो लगता है कि इंसान मतलब क्या करे, क्या करे और क्या ना करे, मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है जैसे मेरे और शिवाली के साथ हो रहा है? प्लीज मुझे जरूर बताना कमेंट। इतनी ज्यादा सुंदर जगह, फाइनली यार हम लोग इतना ज्यादा थक गए थे ना, हम सुबह सुबह ना सबसे पहले पहुंच के हमने देखी एक होटल और हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में मैं खा रही हूँ पोहा। खा के देखती हूँ ये कैसा है। ये लड़की देख रहे हो सैंडविच खा रही है, मैगी खा ली और थोड़ी देर पहले क्या खाया था शिफाली? पोहा। कहीं भी जाओ और मैगी ना खाओ ऐसा हो नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊँ सबसे पहले बोलूँगी मैगी ला दो। एक लड़के ने पोहा से देखा मुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुम्हें। तो बस अपनी शिफाली दीदी का ये फोटो शूट चल रहा है, उन्हें सोचा समय रहते ही अच्छे कपड़े पहने फोटो शूट भी करवा लो। तो शिफाली कैसा रहा, कैसा लग रहा है आपको गोवा में? अभी तो पानी गिर रहा है बट So much. ये जो आपने चोटी की आपको आती करनी है शिफाली? I think I should remove it as soon as possible. बालों में कुछ कलरफुल धागे, क्या बोलते हैं, ब्रेडिंग समथिंग लाइक ऐसा कुछ होने वाला है और आई एम सो एक्साइटेड कैसे लगने वाला है मेरे बालों में। शिफाली ने नहीं बनवाई, शिफाली कैसी लग रही है? कल के लिए ले लो। नहीं चाहिए दीदी, बट आई थिंक इट्स गुड ना लाइक। दीदी आपकी स्माइल बहुत सुंदर है। तो गाइस हम लोग ना बीच पे इतना ज्यादा थक गए थे, फिर सोचे कुछ खा ले। खाने के लिए हमें इतना गुड सा रेस्टोरेंट देखा ना कि हमें देख के ना ऐसा लगा कि बस यही खाना था। आप गोवा आओ और गोवा की ग्रीनरी, गोवा के बीचेस और यहाँ की शांति, मतलब दिल ऐसा करता है बस आप ना पूरी दुनिया से कट ऑफ हो गए और बस आपको 3-4 दिन बस। एंड खाना भी मुझे बहुत यम्मी लगा गोवा का। और मुझे गोवा की सबसे अच्छी बात लगती है कि नहीं बता सकते, बताओ क्या? कुछ भी नहीं। ओके ये देखो शिफाली को, ये दिन भर यही करती रहती है, बस कैमरा चालू कर लेगी, डांस करती रहेगी, फोटो खींचती रहेगी, थकती नहीं है यार ये लड़की यार। हमने ऑर्डर किए हैं नूडल्स एंड दिस इज आई थिंक आलू पकौड़े। खा के तो मैं पहली बार खा रही हूँ आलू पकौड़े, देखती हूँ कैसे लगते हैं। Yum.
इतनी सुंदर सुंदर जगह है गोवा में, मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं जस्ट वॉक कर रही हूँ और वॉक करते करते मुझे प्यारा सा रिजॉर्ट देखा और मैं सोच रही हूँ कि यार मैं यहाँ पर क्यों नहीं रुकी। अब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना, मैं यहीं बुक करूँगी क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे बाहर से देखने में। और थोड़ा सा जंगली इलाका है, पेड़ पौधे जंगल और बहुत खूब अरे यार क्या होता है ना गोवा में अगर आप स्कूटी लो ना यार, इतनी पुरानी होती है ना, मतलब 100 लोगों ने चलाई होती है ना, तो इनके ना ब्रेक ना पैडल कुछ भी ढंग से नहीं चलते, इसलिए मैं गिरी। ऐसा मत सोचना कि मैं लड़की हूँ तो मुझे चलाई नहीं आती। आई थिंक आप हैप्पी ड्राइवर हो क्या? नो, और क्या जंगल वाले इलाके में पता है, हमने सोचा कि ना हम रात में ना ट्रैकिंग करते हैं, और फिर हमने एक स्पेसी जगह आ चुके हैं और जो ना थोड़ी सी ना भूतिया टाइप की लग रही है, तो फॉलो मी कम ऑन शिवाली, कम पहुँच जाएगी। अब हम रात का टाइम है, शिवाली रात में चश्मा नहीं लगाते। बंगलो है तो इस बार तो हमने पता नहीं कहीं अलग ही जगह घर ले लिया था, पर अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इसी थोड़ी सी इसी एरिया में लेंगे जहाँ पीछे जंगल हो एंड आप पानी की आवाज में तो घूम सकते। देखो कितना ज्यादा लाइक वो एंड ना ये व्यू बहुत सुंदर है, ये देखो कैसे चीत रहा है मैडम को। चलो जाओ, अब मैं मे भी शायद देखती हूँ थोड़ी और आगे कुछ मिले, यहाँ तो रास्ता बंद था तो हम आगे नहीं जा पाए। अब लेट्स सी, बागा बीच पे है और हम बीच से थोड़े अलग हैं, हमने सोचा थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, तो हम ऐसे नहीं पतली सी गली में थी जंगल के थ्रू जाती है और हम यहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा रिस्की है तो संभल के आई कान गो बंगलो ले सकूं, यहाँ बंगलो लूंगी और सुकून से अपनी पूरी जिंदगी गोवा की हसीन वादियों में गुजार दूंगी। लाइक इतनी प्यारी प्यारी जगह है और इतने प्यारे पेड़, इतनी प्यारी नदी, देखा नदी, देखा नदी कितनी प्यारी है। I'm not afraid of the dark.
तो फाइनली हम गोवा से जा रहे हैं आज चौथा दिन, तो और हमने इतना एंजॉय किया बट पता है ना, एंजॉय भी एक टाइम तक ही अच्छा लगता है, फिर हमें काम करना होता है, तो बस हम मुंबई जाएंगे और अपने बैक टू ओल्ड लाइफ।